नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई से किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचता है, इसको हम समझ सकते हैं कि सेंटर के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिस स्कीम का नाम है पीएम श्री स्कीम, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स इस स्कीम को अपने प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने से बचना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट, सेंटर और स्टेट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है और जो नुकसान है वो इस देश के बच्चों को भुगतना पड़ रहा। क्या है ये पीएम श्री स्कीम और किस तरीके से सेंटर और नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है, इसको हम समझते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी हम इस टाइप के आर्टिकल्स को पढ़े तो हम अपने दिमाग से ये भूल जाएं कि हम किस जाति और किस धर्म के हैं और हम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो इस आर्टिकल का मेन मुद्दा है उसको हम समझें और हम ये देखें कि किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा प्रेजेंट होता है वही हमारा फ्यूचर भी होता है। तो अगर कोई भी देश या कोई भी स्टेट अपने एजुकेशन में खर्च नहीं करेगा तो ये एक चीज काफी गारंटेड है कि उसका जो फ्यूचर आने वाला है ये काफी डार्क होने वाला है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बच्चे आज क्लास 1 या 2 में है वही बच्चे आज के आने वाले 20 सालों में प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे और किसी न किसी तरीके से इस देश का जो इकोनॉमी है या इस देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सेंटर के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है, और ये स्कीम अभी भी एक्टिव है, इस स्कीम का नाम है पीएम श्री स्कीम, जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर अपने अपने हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाए जिसके तहत उनको एक वर्ल्ड क्लास स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। अब ये सारे चीज सुन के काफी अच्छे लगते हैं, काफी फैसिनेटिंग लगते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन में। आप प्लान तो बना लेते हैं कागजों में बैठ के, 2-4 लोग मिलके बैठ के, लेकिन जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करना होता है ग्राउंड में तो फिर फॉल्ट वहीं से फिर दिखना शुरू हो जाता है। साल 2022 में 14,500 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया था और उसके पीछे का वजह था कि इन सारे स्कूल्स को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा हमारे नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जहां पे एलिमेंट्री स्कूल हो गया, सेकेंडरी हो गया या सीनियर सेकेंडरी हो गया, या हम इसको लमसम यूं समझ लें कि क्लास 12 तक बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, टीचर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और पॉसिबली वो सभी चीज को इंक्लूड किया जाएगा जिससे कि वो सारे बच्चों को आने वाले फ्यूचर में एक बेहतरीन रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो सारे बेहतरीन जो रिसोर्स रहे वो इस देश के हित के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें। और इसमें सेंटर, स्टेट और लोकल स्कूल को भी इंक्लूड किया गया था। सेंटर स्कूल कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय हो गया या केंद्रीय विद्यालय हो गया, और वैसे ही जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनके भी अपने अपने स्कूल्स होते हैं अपने अपने फंड के हिसाब से। जहां पे सेंटर के द्वारा ये कहा गया है कि इस पीएम श्री स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो 27,360 करोड़ किया जा रहा, जो कि साल 2022 से लेकर 2026-27 तक रहने वाला है, जिसमें जो सेंटर का कॉस्ट रहने वाला है वो कुछ रहने वाला है 18,128 करोड़, और जो बाकी के पैसे रहने वाले हैं वो पे करेंगे स्टेट्स। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन का मॉडल है वो 60-40 के हिसाब से है, जहाँ पे 60% जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है वो सेंटर का रहने वाला है और 40% जो रहने वाला है वो स्टेट्स का रहने वाला है। अब यहाँ तक तो सुन के काफी अच्छा लगता है कि कुछ एक एम्बिशियस प्लान है, प्रोग्राम है, जिसपे की अगर काम किया जाएगा तो भारत एक सच में विश्व गुरु बन के निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में होते हैं उनको लगता है कि हर एक स्कीम का जो बेनिफिट है उनको ही मिले, और किसी भी तरीके से कोई भी स्कीम को अगर रन किया जाता है तो वो अपने पॉलिटिकल सिंबल को उसमें अटैच करते हैं। सपोज दैट अगर कोई भी सरकार जो सेंटर में होते हैं वो किसी भी तरीके से कोई डोनेशन देते हैं तो उस पूरे डोनेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें अपने पार्टी का सिंबल या उसमें अपने लीडर्स का साइन देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो सपोर्ट कम करते हैं और दिखावा ज्यादा करते हैं। तो वैसे स्टेट्स जो सेम पार्टी के नहीं है, यानी कि अगर सेंटर में कोई और रूल कर रहा और स्टेट्स में कोई और रूल कर रहा, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक असहज सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जहां पे स्टेट्स ये चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट तो करें लेकिन आप अपने पार्टी का सिंबल इस्तेमाल ना करें। और ये जो दिक्कत है ये ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज में है। अगर बात किया जाए वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली का, तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट हैं, जहां पे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहीं पे वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। एक जो बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आ सकता है कि आखिर में पीएम श्री स्कीम में
कौन सी स्कूल को इंक्लूड किया जाए, इसका फैसला कैसे होता है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है वो यूपी का है और ये बीजेपी रूल्ड स्टेट है, इसलिए जो सबसे अधिक स्कूल को चूज किया गया है वो यूपी से ही चूज किया गया है। उसके बाद महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कुछ नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स भी हैं। डिपेंड करता है इलेक्शन के टाइम के आसपास का और कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितने सीट्स मिले और नहीं मिले। कुछ वक्त तक बिहार इस स्कीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्योंकि आज जनता दल यूनाइटेड एनडीए कोलिशन का हिस्सा है तो इसलिए आज ये पीएम श्री स्कीम का हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में से कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट करना होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक कॉम्पिटेटिव एटमोसफियर हो जाता है। तो पीएम श्री स्कीम में उन्हीं सब स्कूल्स को इंक्लूड किया जाएगा जिनके पास एक पक्का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे एटलीस्ट पूरे बॉयज के ऊपर एक टॉयलेट हो और पूरे गर्ल्स के ऊपर एक वॉशरूम हो। तो ये सारे कुछ एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है और इन्हीं सब के बेसिस के ऊपर उनको रैंक या उनको मार्क्स दिया जाएगा। अगर कोई स्कूल शहर में है तो उसे कम से कम 70% स्कोर करना पड़ेगा और वहीं पे अगर कोई स्कूल गांव कस्बों में है तो उसे 60% स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है, तो जितने भी जो स्टेट्स हैं वो एक लिस्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजेंगे और उनके जो एक्सपर्ट कमेटी रहेंगे वो सारे जो क्राइटेरिया है उसको देखेंगे, उसको जज करेंगे। अगर नॉर्मली हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं या बनना चाहते हैं तो हमें कुछ वहां के टर्म्स कंडीशन को मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी स्कूल या कोई भी स्टेट अपने किसी भी स्कूल को पीएम श्री स्कीम में इंक्लूड करना चाहता है तो उन्हें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर कोई भी स्टेट ये चाहता है कि उसके राज्य से कोई स्कूल को पीएम श्री स्कीम में इंक्लूड किया जाए। और क्योंकि सेंटर के द्वारा इस स्कीम को फंड किया जाएगा तो इसलिए उनका जो एक मैंडेटरी प्रोविजन है उसके हिसाब से पीएम श्री जो है वो उसको एज एन प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सारा जो प्रॉब्लम होता है वो यहीं से होता है कि जितने जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस स्कीम में रूलिंग पार्टी का कोई भी सिंबल हो या उनका किसी भी तरीके से ये मालूम पड़े कि रूलिंग पार्टी इस स्कीम को फंड कर रहे हैं। जहां तक बात किया जाए दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट के बारे में तो उनका ये कहना है कि उनके पास कुछ ऐसा ही मिलता जुलता उनका खुद का स्कीम है जहां पे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और स्कूल्स ऑफ एमिनेंस है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी भी तरीके से सेंटर का द्वारा ये जो रन किया जा रहा स्कीम है उसकी जरूरत नहीं है। और वहीं पे अगर बात किया जाए वेस्ट बंगाल के बारे में तो वेस्ट बंगाल सरकार जो है वो किसी भी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है पीएम श्री जो प्रीफिक्स है उसको इंक्लूड करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की अगर आप स्टेटमेंट्स है, इनका जो एक बहुत ही कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाले स्टेटमेंट है वो ये है कि ये अपने स्कूल्स को जिस तरीके से सेटअप किए हैं पंजाब या खास करके दिल्ली में उस पर ये काफी प्राउड महसूस करते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से कोई स्कीम जो सेंटर के द्वारा रन किया जा रहा उसमें ये अपने आप को इंक्लूड करेंगे तो इनका जो खुद का एक आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने बेनिफिट को सबसे ऊपर रखते हैं और जो देश का बेनिफिट है उसको सबसे नीचे रखते हैं। और ये बात सिर्फ किसी एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो ये सारे आर्टिकल्स को पढ़ के हमें समझ में आता है कि किस तरीके से देश का डेवलपमेंट को रोका जाता है। और अगर आप स्कूल में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगे, और अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगे तो वो देश कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा और वो देश सिर्फ और सिर्फ सामान को अपने देश में इम्पोर्ट ही करता रह जाएगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।